कोरोना वॉरियर्स को सेवा रत्न पुरस्कार विधानसभा अध्यक्ष ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कोरोना योद्धाओं को प्रेमचंद अग्रवाल ने सम्मानित किया। 122 बार रक्तदान करने वाले योगेश अग्रवाल का भी सम्मान। राशन, भोजन, दवाई, मास्क, सैनिटाइजर देकर सहायता करने वालों को सम्मानित किया गया। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया। कोरोना योद्धा वो हैं जिन्होंने मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद की। कई लोगों ने ब्लड डोनेट किया, बहुत ज्यादा। कई लोगों ने राशन के जरिए, मास्क के जरिए, सैनिटाइजर के जरिए और लोगों को आर्थिक मदद करके अपनी ओर से इस मुश्किल घड़ी में लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की। उनके इसी प्रयास को सराहा जा रहा है और इसीलिए उन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। हर रविवार डेंगू पर वार की मुहिम अब तेज है। सीएम त्रिवेंद्र रावत की जो मुहिम थी वो रंग लेकर आ रही है। जमा पानी को साफ करने की मुहिम तेज। मंत्री, विधायकों सहित नेता, अधिकारी सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं और एक दिन यानी रविवार को अपने घरों में जहां पर भी पानी जमा है उसको चेकआउट करते हैं। कुछ ऐसी ही पहल इससे पहले दिल्ली में शुरू हुई थी और अब हर रविवार डेंगू पर वार इसी मुहिम को उत्तराखंड में भी खूब बढ़ावा मिल रहा है। 15 मिनट निकालकर जमा हुए पानी को साफ करना है। राज्य में डेंगू की जो दस्तक इस वक्त हो चुकी है, उसी दस्तक के बिना पर डेंगू के इस हमले को रोकने के लिए गमले, कूलर और अन्य जगह जहां पर पानी जमा हो जाता है वहां से आपको पानी साफ करना है। आज मंत्री मदन कौशिक, विधायक सुरेश राठौर, मंत्री अरविंद पांडे, स्वामी यतीश्वरानंद और आदेश चौहान सहित कई विधायकों ने डेंगू पर वार का संदेश दिया और अपने घर के जमा पानी को निकाला। केदारनाथ पैदल मार्ग छोड़ी में बंद है। शनिवार दोपहर से केदारनाथ पैदल मार्ग बंद है। केदारनाथ छोड़ी मार्ग पर इस वक्त भूस्खलन हो रहा है। शनिवार से केदारनाथ यात्रा ही रुकी हुई है। मार्ग खुलने का इंतजार सैकड़ों की तादाद में लोग कर रहे हैं। केदारनाथ हाईवे भीरी के पास बंद है। हाईवे भीरी के पास मलबा आने से मार्ग को बंद किया गया है। दोनों ही ओर से वाहन फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से इस वक्त जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। जो भी लोग इस वक्त देखिए चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुए हैं उनके लिए काफी मुश्किल इस वक्त है, इसलिए हैं क्योंकि देखिए चारों तरफ भूस्खलन हो रहा है। बरसात में आमतौर पर पहाड़ दरकता है और पहाड़ की जरकन से भूस्खलन होता है और उसी भूस्खलन से इस वक्त लोगों के लिए मुश्किलें हो रही हैं। सुबह से हो रही तेज बारिश से तापमान में गिरावट है। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। बालवाड़ी के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से मार्ग बाधित है। मसूरी फायर सर्विस के जवान और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर हुआ हल्का भूस्खलन।
चोईवाला में देर रात हुई तेज बारिश से उफान पर नदियां और नाले हैं। तेज बारिश से लोगों के घरों में पानी तक घुस चुका है। तेज बहाव से गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, सामान लोगों का बह रहा है। ये डोईवाला की तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुस गया और बड़ी मुश्किल से लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। तो लोगों के लिए बारिश राहत नहीं बल्कि आफत है। ती हो रही तेज बारिश के कारण डोईवाला विधानसभा के बुल्लावाला गांव में आप देख सकते हैं कि सुबह 3 बजे एक जंगल की तरफ से इतना पानी का बहाव तेज आया कि तमाम लोगों के घरों में यहां पर पानी भर चुका है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां से मौके पर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। जब लोग रात को सोए हुए थे, तमाम यहाँ पर लोगों के घरों में पानी भर गया, जिस कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल मचा। एक तो कोरोना काल में जिस तरह से लोग पहले से ही परेशानी झेल रहे थे, तो वहीं इस आपदा के पानी ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अभी तक यहां पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी नहीं पहुंचा है जो इनकी राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन हम सबसे पहले हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं, शुभम काम्बोज जी। हम इनसे जानेंगे पानी कब आया और कितना यहाँ लोगों को नुकसान हुआ है। शुभम जी नमस्कार सर। यहाँ पर सुबह 3 बजे के आसपास पानी आया है और यहाँ आप देख ही रहे हो, यहाँ पे घर में पानी घुसा हुआ है। ये आटा चक्की है, इधर चक्की में लोगों के गेहूं वगैरह आते हैं आटा पीसने के लिए, तो उसमें भी पानी काफ़ी घुसा हुआ है, काफ़ी नुकसान हो चुका है। लेकिन मेरा हर बार का यही मतलब यही है कि हर साल यहाँ पानी घुसता है। अभी तक सरकार के द्वारा ना तो कोई बंदा आया है, ना कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा है। तो मेरी यही है कि हाँ, यहाँ पर इस पानी का कोई संविधान होना चाहिए। इस संविधान के लिए हमें जो भी अब आगे देखना ही पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि सरकार तो कुछ काम नहीं कर पा रही है यहाँ पे। तो हमें ही अपने ग्रामवासियों को, जितने प्रतिनिधि है, सबको इकट्ठा होकर कुछ इसका निकालना पड़ेगा संविधान इस पानी का। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों को यहाँ किसी तरह की राहत नहीं मिल पा रही। हर वर्ष यहाँ लोग मांग करते हैं कि इस पानी के बचाव के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए जाएँ, लेकिन आज तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाता और लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ निवास करने को मजबूर हैं। मैं महेंद्र सिंह चुजमन, इंडिया के लिए डोई। गदरपुर जनता की बरसों पुरानी मांग जल्द ही पूरी होने जा रही है। गदरपुर में बस अड्डा निर्माण के लिए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कैंप कार्यालय में कई आला अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में उत्तराखंड परिवहन निगम के आरएम यशपाल सिंह, परिवहन निगम रुद्रपुर उधम सिंह नगर के राकेश और तहसीलदार भुवन चंद्र के अलावा कई अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। सितारगंज में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा क्रांति दिवस मनाया गया, जहां महान क्रांतिकारी स्वर्गीय महात्मा गांधी और बलिदान देने वाले महापुरुषों को याद कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेसियों ने बताया कि आज से 78 साल पहले 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस हर वर्ष क्रांति रूप में इस दिवस को मनाती है। देश की आज़ादी के लिए हमने सारे कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमने जो है एक क्रांति 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मना रहे हैं। सभी कांग्रेसजन हम सभी जनों को बहुत बहुत बधाई। क्रांति हमारे जो है मसूरी मंशाराम क्रिकेट मैदान में बच्चों के बीच फुटबॉल खेलने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद में बड़े लोग भी कूद पड़े, जिससे मामले ने उग्र रूप धारण कर लिया और देर रात दो पक्षों के बीच जमकर खूब तूतूमैमे हुई। एक दूसरे के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई, नारेबाजी लोग करते नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना जैसे ही पुलिस को पहुंची, मसूरी कोतवाल पुलिस बल मौके पर पहुंचने पर मामला शांत कराकर लोगों को पूछताछ के लिए कोतवाली ले गया। कोरोना वायरस के चलते जहां कोरोना की संख्या पूरे उत्तराखंड में बढ़ रही है, तो वहीं बात रुड़की की हो तो पूरे शहर को सैनिटाइजर के जरिए इस वक्त स्वच्छ किया जा रहा है
और सैनिटाइज करने वाला नगर निगम भी इस वक्त सील हो चुका है। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इस पूरे डिपार्टमेंट के लोगों को क्वारंटीन किया गया, जिसके बाद से ही नगर निगम के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पॉजिटिव आए कर्मचारी के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया, कोरोना का टेस्ट हो रहा है और बाकी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग ने क्वारंटीन कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अब 5-6 महीने हो गए हैं हमें कोरोना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए। सरकार भी लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लोगों को अवगत हो जाना चाहिए और मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, अपने हाथ धोएं। ये सब अगर हम नहीं कर रहे तो हम एक नागरिक होने का पालन नहीं कर रहे। ये लापरवाही निगम में कैसे हुई इस बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि नगर निगम एक ऐसा केंद्र है जहाँ से पूरे शहर को उम्मीद है, पूरे शहर में सैनिटाइजेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है जिससे ये घटना हुई। लोगों को कोरोना महामारी के बीच आम लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए अब सक्षम लोग भी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जिस कड़ी में पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल को भी जब मालूम चला कि तेलीवाला गांव में कुछ परिवारों को कोविड-19 के चलते रोजगार की समस्या हो रही है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके वहां पहुंचकर लगभग 30 परिवारों को कच्चा खाद्यान्न मुहैया कराया, जिससे कि उनकी कुछ मदद हो सके। पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल ने कहा कि कोरोना महामारी का ये समय गरीब मजदूरों और किसानों के लिए बहुत कठिन समय है। इसमें उनके रोजगार ठप हो चुके हैं, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, जिसके चलते उनके सामने खाने पीने तक की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए क्षमता के मुताबिक उनको मदद पहुंचाया जा रही ताकि जरूरतमंदों को कुछ तो नसीब हो पाए। अपील भी की है कि जो भी गरीबों की मदद के लिए सक्षम है वो आगे आए और मदद करें। आप सबको ही पता है कि ये कोरोना जो एक वैश्विक बीमारी है, इसने गरीब तबके के लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। गरीब हो अमीर हो, सबको ही इसने एक ऐसी स्थान पर ला खड़ा किया है जहां पर आदमी मजबूर हो गया है। और इसी कड़ी में हमें पता चला यहां पर कुछ गरीब लोग हैं जिन्हें खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम लोगों ने आकर यहाँ पर खाद्यान्न वितरण किया। और मैं समाज से अपील करना चाहूँगा, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समृद्ध हैं, वो लोग ऐसे लोगों की मदद करें जिन लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। ऐसे लोगों की मदद के लिए लोग आगे आएँ तो समाज का अच्छा सुधार होगा और इस बीमारी में हम लोग गरीब लोगों के साथ रहें, यही हमारा एक फिलहाल। ले रहे हैं आपसे इजाज़त, नमस्कार।